हूं आपके साथ अंकिता पाल। बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी पुलिस लाइन देहरादून हेलीपैड से रवाना होकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड पर पहुंचे और उसके बाद विश्वविद्यालय हेलीपैड से जो है वो रवाना होकर हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचकर श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा हेतु जल एकत्रीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के पश्चात हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हुए और सीएम धामी के दौरे और मकर संक्रांति स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। विकासनगर के ब्लॉक परिसर में पीएम जनमन योजना के तहत एक मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन भी सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिसके चलते देश आज मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की धामी सरकार भी सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने में बेहतर प्रयास कर रही है। नीचे तक पहुंचा रही है। जितनी महिलाएं या लाभार्थी मिले सबने बड़ी सहजता से बताया कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं ये लाभ पहुंचा रही है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश आज मोदी की गारंटी पे विश्वास कर रहे हैं और मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के हर जनमन तक पहुंच रही है। मोदी की ये मकर संक्रांति के पावन पर्व में विकासनगर क्षेत्र के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालु सुबह से ही अपने परिवार के सुख समृद्धि एवं मंगल कामना की प्रार्थना हेतु मित्रों एवं परिवार संग मंदिरों में भगवान के दर्शन करने पहुंचे। कई मंदिरों में श्रद्धालु द्वारा भजन कीर्तन भी किए गए और उसके साथ ही मंदिरों एवं कई स्थानों पर खिचड़ी का प्रसाद भी वितरित किया गया। मैं ये कहना चाहूँगी मकर संक्रांति के पावन पर्व पे कहते हैं ना कि खेतों में हरियाली आ जाती है, अनाज उग जाता है, जी मतलब चारों तरफ खुशहाली होती है, हरियाली होती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबके जीवन में संक्रांति का पर्व है। खाटू श्याम धाम में सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम भी आते हैं डेली यहाँ पर दर्शन करने, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके नेशनल चैनल को जो है बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि जिसके प्रसारण से जो है जगत का कल्याण भी हो रहा है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा धर्म का प्रचार होता है और धर्म की रक्षा जो करता है वो सबसे बड़ा बधाई पात्र होता है। तो इसलिए मैं आपके चैनल का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सर्वेश्वर भगवान परम ब्रह्म खाटू श्याम जिसका नाम हारे का सहारा है। आपने कहा है कि मकर संक्रांति क्या है, तो ये मकर संक्रांति का जो है बहुत बड़ा पर्व है। कहते हैं पापा पहाड़ी तरंगधारी सैला प्रचार गिरहाज गुहा विदारी जंकार कारी हरिपाद रजो पहाड़ी गंगाम प्रणाम सत्तम शुभकारि भारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट देहरादून स्थित शहीद दुर्ग मल पार्क में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनता की सरकार जनता के द्वार नारे के ध्येय के साथ में कार्य कर रही है। धामी सरकार जिस कार्य का शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छावनी परिषद के
डाकरा के सामुदायिक भवन का शिलान्यास हुआ और दशहरे में लोकार्पण भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आगे कहा कि निश्चित ही कैंट क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी विधानसभा के अंतर्गत अभी तक उनके द्वारा 55 सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा चुका है। और यहाँ के लोगों को ब्याह शादी कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम हो तो शहर को जाना पड़ता है, 2 लाख 2.5 लाख जैसे स्कीम की बात करो। और हमारे पास कोई आता है किसी को फोन करते हैं 10-20 हज़ार फोन देते हैं और आज बहुत बड़ी डिमांड हुई है कैंटी बात है लगातार जो हमारे पास कार्य करता है मांग रही है और आज 5 लाख की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बंद करने जा रही है। उसको बनने के बाद यहाँ के क्षेत्र पर जाना पड़ेगा और सारी सुविधा मिलेगी। उसके अलावा जो अन्य विकास कार्य हमने किए हैं लोगों को उससे अधिक किए उनका भी शिलान्यास हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार जनता के द्वार सारे को लेकर काम करती है और मैंने लगातार जब से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने किया है चाहे यहाँ की पानी की समस्या हो चाहे पानी की समस्या हो चाहे सड़क की समस्या हो हर समस्या का निदान करने की कोशिश मैंने की है और आज इस अवसर पर आपके ग्रोह के माध्यम से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो 22 तारीख को एक विशाल पर्व हिंदू की आस्था का और गांव का मंदिर बनने जा रहा है उसका भी निमंत्रण देता हूँ। उनका लाइव टेलीकास्ट है क्या जब रामलला वहाँ पर मुसलमान होंगे मैं जब पूछना गया था उस टेंट में रामलला से अपने जाएंगे मैं एक बार आप जनपद के आपको बता दें कि आलकोट इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे 3 दिवसीय बहुउद्देशीय श्री विंसर महादेव विकास पर्यटन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का विंसर महादेव में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण भी किया गया। साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्र में पहली बार आयोजित किए गए इस तरह के आयोजन से यहां की महिलाएं बालिकाओं और छात्र छात्राओं को बड़े मंच पर कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। 3 दिनों तक चले महोत्सव के क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। उत्तरायणी के पावन पर्व पर विंसर महादेव मंदिर में 9 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। महादेव विकास एवं सांस्कृतिक महोत्सव था वो हमारा आज जो है यहाँ पर हमारे गौरी शंकर भगवान की मूर्ति के स्थापना के साथ और हमारे विंसर महादेव की पूजा के साथ हमारे सारे 9 ग्राम पंचायतों के सभी उपस्थित भक्तों के साथ और सारे पूरे मातृ शक्ति के साथ यहाँ पर ये आज जो है मूर्ति का ये स्थापना हो गई है और अब हमारा जो भी आगे का कार्य होगा उन्हीं उसी विंसर महादेव की आज्ञा से होगा और सभी भक्तों के दिमाग में यही बात आएगी भाई हमने मंदिर बनाना है और इसको जल्दी से इस यहाँ पर हमने जो है भव्य मंदिर बनाकर ये हमारे सारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं जितने बाहर रहते हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो विकास होगा हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अब हमने वो अर्जी अपने विंसर महादेव के पास सौंप दी है क्लियर बात है। बाकी जो कार्यक्रम हमारे 3 दिवसीय हुए वो 2 दिन हमारा राजकीय इंटर कॉलेज अलकोट में था और आज हमारा यहाँ पर पूजन कार्यक्रम के बाद जो है संपन्न हो गया है। अब हमारा अगला कार्यक्रम जो है वो महिला शक्ति से हमारा ये अनुरोध है कि वे अपने 9 ग्राम पंचायतों की 9 महिलाओं के जो है एक विंसर महादेव भजन मंडली के नाम से यहाँ पर एक ग्रुप बनाए क्योंकि मूर्ति स्थापना के बाद अगर उस मूर्ति की मैं भजन नहीं होगा तो मूर्ति जो है सो जाती है तो छोड़ा नहीं है मूर्ति को सुलाना नहीं है ये होना है कि प्रत्येक गांव का की महिला मंगल दल अपने गांव के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को भजन करेंगे 1/2 घंटा 1 घंटा और उसको जो है
अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, हमको भी पता लगे। ओम अष्टोत्तर भैरव देवताए नमो। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं। यहां पर आपको बता दें कि स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया है, तो सीधा आपको लेकर चलते हैं। स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2024-25 के इस कार्यक्रम हमारे शिक्षा कोऑपरेटिव समिति के महान मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी और सीजीएम नाबार्ड श्री विनोद कुमार मिश्री जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर हम सबके समक्ष पूरी रूपरेखा रखी, श्री अरुण जी, श्री कल्पेश जी सीजीएम एसवीटी, हमारे अतिथिगण श्री कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल जी, हमारे स्टेट सहकारिता बैंक के आदरणीय शांत सिंह रावत जी, सादाब संत जी हमारे वक्फ बोर्ड के, हमारे सचिव श्री पुरुषोत्तम जी, हमारे विनोद कुमार सुमन जी, रजिस्ट्रार श्री पांडे जी समेत सभी आए हुए सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, सभी बैंकों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी लाभार्थीगण, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस महत्वपूर्ण स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में मुझे भी डिस्ट्रिक्ट जी ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ सहभाग करने का अवसर दिया, आप सबको बीच में आने का अवसर दिया। मैं सभी का इस आयोजन इस स्टेट क्रेडिट से उद्योगों के विकास हेतु जो उन्होंने अभी अन्य राज्यों के साथ, हिमाचल के साथ, जम्मू कश्मीर, जो हमारे आसपास के हमारे समकक्ष के राज्य हैं, पर्वतीय राज्य या जिनको हिल स्टेट कह सकते हैं, उनकी और हमारी जो तुलना रखी और उसमें जो आगामी वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की जो योजना तैयार की है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा मिशन है, उसी मिशन को हमारा नाबार्ड भी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने अनेक बार एक बात को उन्होंने शुरू किया केदारनाथ जी से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसको फिर उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है और वो बात हमारे लिए चरितार्थ भी हो रही है। जब हम देखते हैं कि हम तेजी से इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं, ऋण का जब अभी आकलन कर रहे थे विश्व जी, तो मुझे बड़ा अच्छा अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही थी जब मैं देख रहा था कि हिमाचल का आपने बताया लगभग 35,000 करोड़ और बगल में हमारे जेएनके में 36,000 करोड़ और हमारा 40,000 करोड़, तो मुझे लग रहा था कि ये सब प्रधानमंत्री जी धरातल पर उतर रहे हैं। और यह भी आपने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में ये लगभग 15% अधिक है इस साल की अपेक्षा, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33% होगा, 30%। कहां से आवाज आ रही उधर से? 33% 32-33% आ रही है। यह हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे जो मझोले उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था वो किसी वरदान से कम नहीं है, उनका इससे बहुत प्रोत्साहन होगा, उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इसकी निगरानी
बहुत जरूरी है। और ऋण किन लोगों को देना है, कौन लोग इसके लाभार्थी हों, कौन लोग इसके जरूरतमंद हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करके कानून बना दिया, आगे के लिए उनके आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, और राज्य में हमने पहले से ही 30% का आरक्षण, यहाँ की जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहने हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको भी उन्नयन की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी जो हमारी निकलने वाली नौकरियां हैं उन सब में किया है। तो यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो मातृशक्ति है उसके लिए एक विशेष प्रकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं आप अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे तो निश्चित रूप से मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। और जो हमारी अभी मैं लाभार्थी बहनों से बात कर रहा था टिहरी जनपद की आज से 2 दिन पूर्व, तो वो कह रही थी कि हम लोगों ने अभी रक्षाबंधन के पर्व पर लखपति दीदी जो हमारी योजना चल रही है उसी के साथ सशक्त उत्सव बहन सशक्त बहना सशक्त उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ की है, तो उस योजना के माध्यम से उनको बहुत सारा जो अपना बनाया जाने वाला उत्पाद है उसको विपणन करने के लिए स्थान मिला था। राज्य सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है, तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन सबको भी कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण लेने के लिए उसका सरलीकरण बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है कि आप भी करना चाहते हैं, लोग भी करना चाहते हैं, सरकार भी आपके साथ है, लेकिन बहुत सारी जटिलताएं होने के कारण से, कठिनाई होने के कारण से जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो ऋण लेने से वंचित रह जाते हैं। और बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि अब तो बहुत जागरूकता हो गई, बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग भी काम कर रहे हैं, बैंकों के लोग भी आगे आकर उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत लोग जब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते और बहुत जब हम बात करते हैं और बात करने के बाद व्यवहारिक रूप से उनको नहीं पा पाते तो लोग कैसे नहीं पा पाते, तो उसमें उनका प्रोत्साहन कैसे हो समझने। और बैंक वैसे बैंक का और हमारे में अंतर क्या है, थोड़ा सा बैंक के लोग क्या करते हैं कि ये पूरी ऑनरशिप लेते हैं, ये अच्छी बात है बैंक के लिए कि ये पूरा आकलन कर लेते हैं आगे चीजें का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये आगे का कितना पोटेंशियल इसके अंदर है। थोड़ा हम लोगों के स्तर पर कई बार होता है कि औपचारिकताएं करके छोड़ देते हैं या एक बार भेज दे देते हैं तो मान लीजिए, और उसके बाद जो है वो ऋण देने के बाद क्या वो आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये आकलन भी होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत 19-20 हो उसको चलाने की कोशिश भी करनी चाहिए। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर हम इस दिशा में सोचेंगे, और जो हमारा विशेष रूप से आज जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में प्लायन रोकने को, जहां सरकार ने प्लायन रोकथाम का आयोग बनाया है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाकर कैंप के माध्यम से सरलीकरण दृढ़ता करते हुए उन सबको इस व्यवस्था से जोड़ा जाए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। मेरा मानना है कि ऋण और लोन क्रेडिट जो है जरूरतमंद और योग्य लोगों तक आसानी से पहुंचे, उसमें बैंकों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है, उनके कारण से जरूरतमंद लोग आगे बढ़ने का उनको अवसर मिलता है। और हमें ध्यान देना होगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं वो मतलब ऋण आसानी से प्राप्त करें, करते ना उनको परेशान न होना पड़े, उनको लगे कि भाई जो काम हम करना चाहते हैं उसमें बैंक भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनके अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं, बैंकों के कार्य
योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक लक्ष्य लेकर एक टारगेट लेकर इस पर काम करना होगा। भाइयों बहनों, ग्रामीण और पिछले इलाकों का जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो हमारा रिवर्स प्लान है इसको रोकने के लिए जहां सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो बैंकों को भी इसके लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। उसके पीछे हेतु है कि जो समाज में बिल्कुल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उन सबको भी आगे लाया जाए, उनके जीवन को भी परिवर्तन किया जाए, उनके जीवन को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का काम हम सबके माध्यम से हो और हम दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं। ये आपकी जो योजनाएं हैं आप स्वयं देख रहे हैं जो योजनाओं इस प्रकार की योजनाओं को लगातार संदिग्ध किया जा रहा है। हमारे सभी सरकार में बैठे हुए लोग, हमारे अधिकारी हैं, हमारे सरकार के जितने भी लोग हैं वो सभी इस काम में लगे हैं, शासन के लोग, और दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है और हम और हमारी पूरी सरकार गंभीरता के साथ इसके लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे शहरी इलाकों का विकास हो रहा है उसी तरीके से जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां भी एकीकृत रूप से समान रूप से विकास पहुंचे। मैं आप सभी बैंकिंग सेक्टर के लोगों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी जब आप पढ़ रहे थे तो आप यहां से बात कर रहे थे तो अभी भी जो हमारे 9 जनपद हैं उन 9 जनपदों का अभी उतना योगदान अभी नहीं आ पा रहा है इसमें जितना आना चाहिए और विशेषकर से हमारे 3 जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी जो ऋण की कमी वाले जिले हैं आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इन जिलों को ऋण आवंटन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और समान रूप से इनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी योजना बने। इसके साथ ही जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत 7.60 लाख लाभार्थी हैं और 6.89 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 71,000 किसान जो है क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है उस सुविधा से भी छूटे हुए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए भी हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा क्योंकि इससे अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता। और किसान क्रेडिट की बात मैंने इसलिए करी कि हर बार जब भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव होता है उस कॉन्क्लेव में ये उनकी फ्लैक्सी स्कीमों में आता है तो इस पर विशेष रूप से उनका सरकार भारत सरकार का भी फोकस है तो इस ओर हमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, बैंकों के अलावा हमारी सरकार आम फिलहाल इस बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।